दोस्तों, जब भी हम लोग क्लच प्लेट खोलते हैं ना, तो इस जगह पे कचड़ा निकलता है। इस जगह पे कभी भी खोलते हैं, स्प्लेंडर चाहे पल्सर वगैरह कुछ भी खोलते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये कचड़ा जमा हुआ है ना, मिट्टी टाइप का है। ये कचड़ा कहाँ से आ जाता है और कैसे जम जाता है? तो ये क्रैंक है, ये क्रैंक शाफ्ट है, और यहाँ पर एक होल बना हुआ रहता है, जो कि क्रैंक शाफ्ट का जो कनेक्टिंग है उसमें, उसका बैरिंग में ये ऑयल जाता है, इंजन ऑयल उसमें जाता है, ताकि कनेक्टिंग का बैरिंग ख़राब ना हो, आवाज़ ना हो और स्मूथ चले। तो ये ऑयल उसमें जाता है, ये ऑयल यहाँ पे पंप के थ्रू, यहाँ देख रहे हैं ऑयल पंप लगा हुआ है, ऑयल पंप में यहाँ एक होल लगा हुआ होल है, ये होल से प्रेशर से, जब गाड़ी चलती है ना तो प्रेशर से यहाँ पर ऑयल फेंकता है बाहर में, इंजन ऑयल बाहर में फेंकता है, और क्लच कवर के थ्रू, ये क्लच कवर है, यहाँ से ऑयल इसमें जाता है, ठीक है, यहाँ से ऑयल इसमें जाता है और यहाँ से ये क्रैंक में जाता है, यहाँ से ये, यहाँ फोगल फिल्टर, इसे फोगल फिल्टर बोलते हैं, इसमें जाता है, ये यहाँ दबा हुआ रहता है ऐसे, ये ऐसे दबा हुआ चलता है, और इसमें बहुत प्रेशर से इसमें ऑयल जाता है, इंजन ऑयल, और जब प्रेशर से ऑयल जाता है ना, तो यहाँ पर ऑयल बहुत प्रेशर से घूमता है, और घूमता है तो जो ऑयल में जो कचड़ा वगैरह होता है ना, तो यहाँ पर घूमने के बाद इस जगह पर कचड़ा हो जाता है, जम जाता है। तो कभी भी आप सर्विसिंग वगैरह कराएं, 4-5 सर्विसिंग करा ले, चौथे सर्विसिंग में इसे खोल कर जरूर क्लीन करवा दे, नहीं तो आपका क्रैंक ज़्यादा दिन का टिकाऊ नहीं रहेगा, ये कचड़ा उसी से आता है। और यहाँ पर पूरा रनिंग में, यहाँ पर पूरा रनिंग में ऑयल जाता है ना, तो ये ऑयल यहाँ घूमता है, और यहाँ से घूमने के बाद सारा कचड़ा इसमें जम जाता है, और जो फ्रेश ऑयल होता है वो चला जाता है क्रैंक में, इसलिए इस जगह पर कचड़ा जमा होता है।